आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं कि कैसे आप बैकग्राउंड इमेज ऐड कर सकते हो अपने जीवा एप्लीकेशन में। लाइक ठीक है, इंटर अगर आप यूज कर रहे हो तो उसमें आपको अगर बैकग्राउंड इमेज ऐड करना हो तो हम कैसे करेंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको एक पाइथन फाइल क्रिएट करनी है। लेट मी क्रिएट इट हियर। सो ये ग्रीन वाली इमेज जो है ये मैं बैकग्राउंड में क्रिएट करूंगी। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल लेट मी ओपन माई कमांड प्रॉम्प्ट आईडीएल न्यू फाइल एंड मैं इसको सेव कर लेती हूँ बाई माई बैकग्राउंड। ओके, सबसे पहले हमें इम्पोर्ट करना पड़ेगा। सो फ्रॉम टी के इंटर इम्पोर्ट स्टार एंड देन, क्योंकि हमें इमेज चाहिए तो मुझे PIL जरूरत पड़ेगी। फ्रॉम PIL ये आपको इंस्टॉल करना पड़ेगा। लाइक पिप इंस्टॉल PIL कर सकते हो, पिप इंस्टॉल पिलो कर सकते हो आप। ओके, इम्पोर्ट इमेज टी के एंड देन हमें जरूरत पड़ेगी इमेज की। ओके, इट इज TL टी के। नाउ अभी अपना हम ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लेंगे। ऑब्जेक्ट क्रिएट करने के बाद मैं अपनी ज्योमेट्री डिफाइन, मन हो तो डिफाइन कर सकते हैं आप, क्योंकि हम लास्ट वीडियो में देख चुके हैं कैसे आप मिनिमम मैक्सिमम एंड ज्योमेट्री का यूज कर सकते हो साइज का। सो मैं अभी क्रिएट कर रही हूँ 600 एंड 300 पे। आप कोई भी दे सकते हो अपना डायमेंशन। मैं है फाइल फाइल इक्वल टू आई एम यूजिंग हियर फाइल वन इक्वल टू आई एम यूजिंग इमेज टी के। ओके, डॉट इसके अंदर एक मेथड है हमारे पास फोटो इमेज नाम का। ओके, इसका यूज करेंगे हम। इसमें आपको बताना पड़ेगा कि कौन सी फाइल आपकी इमेज वाली, जिसमें आपको जो इमेज आपको एज अ बैकग्राउंड यूज करनी है। सो मैं कर यहाँ पे फाइल इज इक्वल टू, और मेरे पास वही ग्रीन वाली इमेज थी, ग्रीन डॉट JPEG, उसका यूज करूंगी मैं। ओके, अच्छा मैं यहाँ पे पाथ नहीं दे रही क्योंकि मेरे करंट वर्किंग डायरेक्टरी में ही अवेलेबल है। सो इसलिए मेरे को पाथ देने की जरूरत नहीं है। अगर आप कहीं और से अपना फाइल लेके आ रहे हो, यहाँ पे इम्पोर्ट कर रहे हो, तो उसके लिए आपको पूरा पाथ देने की जरूरत है। लाइक पूरा पाथ आप यहाँ पे दोगे। अभी मैं करंट वर्किंग डायरेक्टरी से एक्सेस कर रही हूँ, सो आई एम इट इज नॉट नीड टू डिफाइन द टास्क ओवर हियर। ओके, नेक्स्ट थिंग इज अब कहाँ पे इसे रखना है, मैं वो हमें लेबल देना पड़ेगा। सो लेबल डॉट कहाँ पे लेबल, मैं टी के अंदर मैं इसको बैकग्राउंड यूज करना चाहती हूँ एंड माई इमेजेस कहाँ पे है, फाइल वन के अंदर। ओके, एंड देन इसको पैक कर लेंगे डायरेक्टली एंड देन टी डॉट मेन लूप, अगर आपको पूरे टाइम इसको चलाना है तो। एंड लेट्स रन दिस कोड, दिस इज इट। सो ओके, सो यू कैन सी हियर। ओके, सो इस तरीके से आप अपना बैकग्राउंड इमेज ऐड कर सकते हो अपने टीके के अंदर। ओके, थैंक यू सो मच।